दरबारी पारी पारी से और राजन के नाम बताने कोई अब गुड़ बताने में लग जाता है। और आजकल घर घर की बीमारी है। अगर तुम शादी लेके जाइयो भलो लड़का अच्छो है तो ना कोई कमी पड़ोसी ने कराई दी है। हाँ छोटा वाला पुत्र रुकमेश कहने लगा, पिताजी मेरी निगाह में एक बहुत सुंदर लड़का है, अगर आपकी इच्छा हो जाए तो मैं बता सकता हूँ। बोले बिल्कुल बताओ। बोले मेरी नजर में द्वारकाधीश भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे। तो माताओं सभा में ताली बज गई, ताली बजाए दे, ताली बज गई। और जब तालियों की आवाज रुकम ने सुनी, रुकम वहां से चला और अपने पिताजी के सामने पहुंचा। पिताजी आज से पहले इतनी तालियों की जो गड़गड़ाहट मैंने कभी नहीं सुनी, किस बात की खुशी है, क्या बात है हमें वो तो बताओ। जब इतने शब्द सुने हैं मेरे श्रोताओं, उसी समय जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है लाला, तुम्हारी बहन है जिसका नाम है रुकमणी, वो विवाह हो गया। बोले हाँ हाँ। बोले बेटा किसी ने तो दुर्योधन को बताया, किसी ने तो युधिष्ठिर को बताया, लेकिन महाराज वो ठीक नहीं थी। कोई तो गुण बताता था तो कोई अवगुण बताने में लग जाता था, लेकिन तुम्हारा वो छोटा वाला भाई नहीं वो। बोले हाँ हाँ। बोले उसने द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को बताया। रुकम कहने लगा, बूढ़े बाप उस द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हमें अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो उसके घर का पता, ना उसकी माँ का पता, कहीं जन्म लिया, कहीं पाला गया, उसके साथ में अपनी बहन की शादी नहीं। बूढ़े बाप खून की नदियां बहेंगी तुम्हें पता नहीं है। और वो बबूला ये चाल नहीं चल पाएगी, करिए शादी पक्की होगी तो ये शादी नहीं होगी। अगर ये
हदीस, कन्हैया अगर झूला बन करके आया तो खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां। एक तुम से बूढ़ो बाप बोलो, बेटा तू भी तो है, तू बड़ा है, चल छोटे ने अगर गलती कर दी, तेरी निगाह में अगर कोई हो तो बता। जवाब दिया, अब आई समझ में, हाँ बिल्कुल है, बहुत सुंदर है, मेरी निगाह में सुंदर सा बर है, सुंदर सा घर है। बोले कौन है वो तो बता, कि बड़ा भोला भाला है, बड़ा मतमाला है, बड़ा पैसे वाला है, कोई गैर नहीं है, रिश्ते में खास मेरा सारा है। ओ जैसी इतनी बात सुनी, भीष्म कहने लगे, दुष्ट कमीन तू ये क्या कह रहा है, चंदेरी के राजा सस्पान जो तेरा साला। उसी समय जवाब दिया, तू बिल्कुल पागल हो गया, उसने अपनी बहन तेरे लिए की और तू अपनी बहन उसके लिए। ससुराल बोलो, बूढ़े बाप तुम बूढ़े हो गए सो हो गए, तुम्हें अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, हमें जा बताओ, जब बाने अपनी बहन हमें दे दई तो हमें देवर में का दिक्कत है। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने, उसी समय महाराज जवाब दिया, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा सुपाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। मेरे श्रोताओं रोने लगे, जवाब दिया, बेटा कोई पता नहीं है, मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला, बेटा कि अरे मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला, जवाब दिया, बेटा मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है, एक है, तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में कर दो बेटा। शिशुपाल की बात करके बोला, अगर शादी होगी तो बस उसी के साथ में होगी, अन्यथा कहीं शादी नहीं होगी। एक बात और बता दे श्रोताओं, अगर बेटे का पैर और बाप के जूते में अगर आ जाए तो समझ लेना, एक पुत्र का दर्जा नहीं देना चाहिए, एक दोस्त एक मित्र का दर्जा देना चाहिए। जवाब दिया बूढ़े बाप,
अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा सुसपाल के साथ में होगी, अन्यथा कोई शादी नहीं। खत लिख दिया, खत लिखने लगा। चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखी। क्या लिखी? प्रणाम मेरी सुमी काने करो रे सुमी काने। ओ सुमी ओ भूप चनेरी केरे तपा तारी। और सुना वेतन है हमारा। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाह रहा हूं। जवाब दिया।